हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं दोस्तों? मैं रफीक। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि हीरो की स्प्लेंडर बाइक में क्रैंक असेंबली किस प्रकार से आती है, पिस्टन किस प्रकार से आता है, क्लच प्लेटें कैसी आती हैं और टाइमिंग चेन टाइमिंग किट कैसी आती है। वह सारी चीज़ आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये हमारे सामने धरा है सारा सामान। सबसे पहले हम क्रैंक असेंबली को दिखा देते हैं। क्रैंक असेंबली कुछ इस प्रकार से डिब्बे में आती है, जिसके MRP हम आपको जूम करके पास से दिखाएंगे। दोस्तों, ये 750 रुपये की है और अंदर से भी आपको दिखाएंगे कि अंदर से किस प्रकार की है, ये क्या क्या चीज़ इसमें होती है। जो क्रैंक असेंबली सेट होता है दोस्तों, इस प्रकार से कुछ होता है, इसको क्रैंक असेंबली बोलते हैं। 750 रुपये की सिर्फ असेंबली का रेट है। अब जो डालने वाला है खरा दिया, उसका रेट अलग है। कहीं पे कितना लेता है, कहीं पे कितना लेता है, डालने का रेट अलग है। खाली असेंबली का रेट बताया 750 रुपये जैन। और जो मिस्त्री पैसे जोड़ता है असेंबली का, वो ढलाई समेत कंप्लीट जोड़ता है, कभी भी असेंबली का पैसे नहीं जोड़ेगा, कंप्लीट जोड़ेगा। उसके बाद में आता है पिस्टन। पिस्टन का ये डिब्बा आता है हीरो जेनुइन का। इसकी जो लिस्ट है 650 रुपये है। 750 उसकी थी, इसकी 650 रुपये है। 750 प्लस 650 1400 रुपये दो आइटमों के हो गए। उसके बाद में आती है हमारी टाइमिंग किट, जो टाइमिंग की किट होती है हीरो जेरो, 450 रुपये की। 450 इसके हो गए 1850 रुपये। उसके बाद में हो गए हमारी क्लच प्लेट, इसको हम आपको पास से भी दिखाएंगे थोड़े MRP में। इसकी 280 रुपये MRP है, बाकी अलग अलग रेट में आती है। 280 रुपये की क्लच प्लेट होगी। ये हो गया अपना 2130 रुपये। उसके बाद में आती है GTP गरारी, क्रैंक में लगती है क्लच कटरा के और क्रैंक को जो ज्वाइंट करती है वो गरारी, ये भी आवाज़ें करने लग जाती है। अब इसका हम आपको दिखाएंगे रेट कितना है। इसका रेट है 290 रुपये। 290 रुपये इसका जोड़ लो, ये हो गए 2420 रुपये। उसके बाद में आता है वाल सेट। वाल सेट है जो हमारे पास अभी जेन्युइन नहीं है, EVL का है। जेन्युइन वाल सेट आता है 430 रुपये का। 430 रुपये वाल सेट का जोड़ लो, 2850 रुपये हो गए। उसके बाद में अब खराद का जो काम है, बोर करेगा खराद या उसका अलग चार्ज लेगा, हेड करेगा उसका अलग लेगा, और जो मिस्त्री लेबर है उसका अलग लेगा। हमारे यहाँ पे मिस्त्री लेबर चल रही है 900 रुपये, 1000 रुपये, 800 रुपये, बहुत भाई 1200 रुपये भी ले रहे हैं, अलग अलग बाइक के हिसाब से, अलग अलग काम के हिसाब से। तो लगभग कुल मिला के लगभग आप मान लो 5000 से 4500, ऊँचे में 5500 रुपये इंजन में बैठ जाते हैं। अब बाकी कई बाइक में क्या होता है, गियर में दिक्कत आ जाती है, गियर फेंकने लग जाती है, तो उनका खर्चा अलग आ जाता है। गियर का अलग है, मान लो गियर में दिक्कत है, कोई चैम्बर टूटा है उसका अलग है, हर बाइक का अलग अलग खर्चा आता है। एक बाइक का एक ही ऐसा नहीं है कि एक बाइक में जितना आ गया इतना सभी में आएगा, ऐसा नहीं है। किसी में हेड गाइड डल रही है, किसी में नहीं डल रही है, तो लगभग आप समझ के चलो 4500 से 5000 रुपये कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 6000 रुपये, अगर आपका गियर वगैरह सारी चीज़ सही है। और अगर गियर की सापट ख़राब है, किक सापट ख़राब है, सिलेंडर किट ही डालनी है, जो सिलेंडर किट है जेन्युइन, उसके बारे में भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा कितने रुपये की आती है, कैसी आती है जेन्युइन किट। बाकी दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी ही मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाइक से रिलेटेड हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिलती रहेंगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके अपनी राय बताना। वीडियो को दोस्तों शेयर करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।